हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अगर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप विजिट करें कॉन्फिडेंस पॉइंट पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में दिए हुए बेल बटन को दबा दीजिए। दोस्तों, आज इस प्लेलिस्ट में एक और वीडियो हम करने जा रहे हैं और ये वीडियो है हमारा अनंत विस्तार के समतल चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है, जो हमारे पास प्लेट है वो कैसा है, चालक है, कंडक्टर है। इससे पहले एक और वीडियो हमने करा था, उस वीडियो में हमने बात किया था कि अनंत विस्तार के समतल अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो इलेक्ट्रिक फील्ड था एक प्लेट के कारण, जो प्लेट आपका अचालक था, ठीक ना। जैसे कांच का या अभ्रक या प्लास्टिक का, वुड का, कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक ना। यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, यहाँ पे भी हमारे पास एक अनंत विस्तार का समतल चादर है या प्लेट है, ठीक ना, जो कि चालक है, कंडक्टर है, लोहे का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, किसी अदर मटेरियल्स का हो सकता है, ठीक ना। तो इसके लिए भी हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो मान लेते हैं एक हमारे पास एक चादर है, ठीक ना, जो इस तरीके से रखा है। जैसे ये मान लीजिए एक हमारे पास चादर है, मेटल का है, ठीक ना, वो ये मान लीजिए एक मेटल है, ठीक ना, मेटल का चादर है, उसको हमने इस तरीके से रखा है यहाँ पे, जो उसका डायग्राम बनाया इस तरीके से। तो ये वाला जो इंटरफेस आया है, ये वाला इंटरफेस यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है, एक इसका क्यू सरफेस है इस साइड, एक इसका पी सरफेस है इस साइड, ठीक ना। तो जब हम क्या करेंगे, किसी कंडक्टर को आवेशित करते हैं, ठीक ना, तो उसका जो आवेश है उसके संपूर्ण पृष्ठ में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे अगर ये एक हमारे पास चादर है, मेटल है, मेटल का है, लोहे का है, तो उस दशा में इसको जितना भी आवेश देंगे वो आवेश इसके इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे, और ये अगर इसका सरफेस ये वाला होगा तो इस वाले सरफेस पे क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक ना। तो यहां पे जो आवेश है वो ऑनली कहां पे रहेगा, सतह पे रहेगा, इसके अंदर, मेटल के अंदर आवेश नहीं रहेगा। मेटल के अंदर आवेश कितना होगा, जीरो होगा। तो यहां पे अगर बात करेंगे तो इसके अंदर आवेश कितना होगा, जीरो होगा, कोई आवेश नहीं होगा। तो इस दशा में अगर देखेंगे तो ये जो सरफेस है, मेटल का जो सरफेस है, ये दो सरफेस अनंत विस्तार के चादर या प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। जैसे अगर इस पे आवेश डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, तो ये जो सरफेस है एक चादर की भांति व्यवहार करेगा। ये इस सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उस कंडीशन में ये वाला सरफेस भी क्या होगा, एक चादर की भांति व्यवहार करेगा। तो यहां पे किसी पॉइंट पर इस प्लेट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। डिस्टेंस कितनी है, r है। तो देखिए, इस पॉइंट पर r, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कैपिटल P ले लीजिए इसको, ठीक है। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक ना, इस चादर की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, इवन होगा, ठीक ना। सेम ये जो सरफेस है, पी जो सरफेस है, इस पी सरफेस के कारण भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किस डायरेक्शन में, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए इसे निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, मान लेते हैं ई टू चार्ज है, ठीक ना। तो अब देखिए, तो यहां पे एक चीज हम मान लेते हैं, माना चादर का जो पृष्ठ है उसका पृष्ठ आवेश घनत्व जो है, पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो मान लेते हैं सिग्मा है। तो इस पृष्ठ का जितना आवेश घनत्व होगा उतना ही इस पृष्ठ का भी होगा। और ये जो पॉइंट है ये कहां पे रखा है, वायु में रखा है, ठीक ना, इसलिए के का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां पर, वन होगा, ठीक ना। तो चलिए, क्यू सरफेस के कारण, किसके कारण, क्यू पृष्ठ के कारण, क्यू पृष्ठ के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई वन। इस क्वेश्चन देखिए, अगर ये अनंत विस्तार का एक चादर की भांति अगर व्यवहार करेगा, तो इससे पहले डेरिवेशन में भी प्रूव किया था, किसी अनंत विस्तार के चादर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो इवन इज इक्वल टू जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट,
सेम क्यू सरफेस, इसको आर ले लीजिए पी ना, इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी है तो इसको क्या लेते हैं आर पॉइंट ले लेते हैं, आर सरफेस ले लेते हैं, तो आर पृष्ठ के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा ई टू, ठीक ना, ई टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, क्योंकि अब जो यहां पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, कि कितना भी डिस्टेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट पास में हो या दूर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ओनली डिपेंड किस पे करता है, सिग्मा पे डिपेंड करता है। तो यहां पे आर पृष्ठ के लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पी पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू जाएगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए सेम डायरेक्शन में, तो ई वन एंड ई टू को क्या करेंगे आप ऐड करेंगे, ई वन भी इस डायरेक्शन में ई टू भी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या जाएगा यहां पे एड अप हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, एलसीएम इक्वल है तो ऊपर ऐड हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, क्या जाएगा टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पे इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, तो E is equal to sigma upon epsilon naught, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो सिग्मा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, दूरी पे ये निर्भर नहीं कर रहा है, ना ये सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, ये ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कहने का मतलब है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के लिए, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है चालक के लिए, ये एक्सप्रेशन ना तो इसके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहे हैं और ना ही इसके कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इसके रेडियस पे डिपेंड कर रहे हैं, रेडियस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स ये जो फॉर्मूला है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हर टाइप के कंडक्टर के लिए, हर प्रकार के चालक के लिए वैलिड है। मतलब चालक जो है कैसा भी हो कंडक्टर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कंडक्टर होना चाहिए, कैसा भी हो, वो चादर हो, गोला हो या कोई ऑर्बिटरी शेप हो। जैसे मान लो अगर एक हमारे पास ये एक शेप है, इस ये मेटल का कंडक्टर है, इसमें हमने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है सिग्मा है, तो इसके कारण अगर इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ये इसके शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, इसके आकृति पे डिपेंड नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है मेरा कि ये जो फॉर्मूला है ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हर टाइप के कंडक्टर के लिए, चाहे वो गोलीय चालक हो, चाहे वो आपका समतल हो, चाहे आपका बेलनाकार हो या कोई अनिश्चित आकार का कोई चालक है, उसके लिए ये वैलिड है, ये ओनली कंडक्टर के लिए वैलिड है, नॉन कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है, ठीक ना। तो E is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका यूज हम हर जगह कंडक्टर के लिए कर सकते हैं जो कि आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो इसी फॉर्मूले से अगर हम देखते हैं ना, तो जो हमारा मतलब कोई ऐसा जैसे ये कंडक्टर है, इस टाइप का कोई कंडक्टर है, ठीक ना, तो इस कंडक्टर में देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन, ये वाला इस पोर्शन का जो एरिया होगा वो बहुत ही कम है, तो जब इसमें हम इसको क्या करेंगे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो चार्ज की जो डेंसिटी है इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा होगी, तो इस पॉइंट पर मतलब नुकीले सिरे पर, किस पे नुकीले सिरे पर जो है चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, सिग्मा सबसे ज्यादा होगा इस पॉइंट पर, क्योंकि इस पॉइंट के लिए एरिया क्या है बहुत कम है। तो ऐसा कंडक्टर जिसका एरिया सबसे कम होगा, या ऐसे कंडक्टर का एक पार्ट जिसका एरिया सबसे कम होगा, या हम कह सकते हैं वो अगर नुकीला सिरा है तो उस पॉइंट पे एरिया कम होने की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन ए होता है, ए जितना कम होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। जब सिग्मा ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा
यहां पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो ई इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, सिग्मा जितना ज्यादा होगा, यहां पे सिग्मा का वैल्यू क्या हाई है तो इस वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो यहां पे जो वायु है, जो एयर के पार्टिकल्स होंगे या गैसेस पार्टिकल्स होंगे, उन सारे गैसेस पार्टिकल को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आयनित कर देगा और इस नुकीली सिरे से जो भी चार्ज है वो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, लीक कर जाएगा। क्या कर जाएगा? लीक कर जाएगा यहां पे। मतलब अगर किसी कंडक्टर को अगर आवेशित करते हैं और उस कंडक्टर का कोई भी एक पार्ट अगर नुकीला है तो इसकी पूरी पूरी संभावना रहती है कि उस नुकीले पार्ट से कंडक्टर का जो पूरा आवेश है वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाए या कह सकते हैं कि वो लीक हो जाए। क्लियर है? तो ये था हमारा कि अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं क्योंकि अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें डेरिवेशंस करेंगे और साथ साथ हम न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक ना। चलिए एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं। तो क्वेश्चन है, देखिए जो हमारे पास एक क्वेश्चन है एक आवेश समतल चालक प्लेट के आवेश का पृष्ठ घनत्व 8.85 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर है। यह वायु में स्थित है और इसके समीप इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक प्लेट है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर कह रहे हैं। इस प्लेट से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, आर इज इक्वल टू इतना दे रखे हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक ना, ये निकालना है। तो देखिए ये जो समतल चालक प्लेट है, क्या है, समतल चालक प्लेट, एक्सप्रेशन यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो यहां पे R का देना या ना देना एक समान है, ठीक ना। तो देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁶ by epsilon naught का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻¹2। देखिए 8.85 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 10⁻⁶ प्लस का 12, तो ये 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। तो उस समतल प्लेट के नजदीक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक ना। क्वेश्चन नोट कर लीजिए वीडियो साथ ही साथ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है या पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स लेते हैं हम, समतल पृष्ठ घनत्व की धनावेशित और ऋणावेशित समतल प्लेट समांतर अचालक प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्या है, हमारे पास एक समतल, दो समतल प्लेटें हैं जो कि अचालक है, दो समतल प्लेटें हैं जो कि अचालक है, इन दोनों प्लेटों के बीच हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों प्लेटों का एरिया जो है वो सेम है, ठीक, एरिया क्या है, सेम है। तो दो समांतर अचालक प्लेटों के मध्य अचालक धनावेशित व ऋणावेशित प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास दो नॉन कंडक्टर प्लेट्स दे रखे हैं जिसपे एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, इसके मध्य किसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। तो मान लेते हैं दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल जो है, माना प्लेटों
का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, ए है, कैपिटल ए। और प्रत्येक प्लेट पर, प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, क्यू है, ठीक ना। जैसे इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक ना। इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में कोई पॉइंट टी है और इस पॉइंट टी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें पता है कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और जो हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो ये कितना बनाएगा, जो पॉजिटिव प्लेट है ए, ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में, कितना E1, ठीक है। बी जो हमारे पास दूसरा प्लेट है जो कि नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से भी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, E2, नेगेटिव प्लेट की ओर, ठीक ना। तो यहां पे देखेंगे तो दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 एंड E2, ये एक दूसरे के डायरेक्शन में, ठीक ना। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, प्लेट ए के कारण कितना होगा, देखो E1 इज इक्वल टू, देखिए अब इसका एरिया ए है, क्यों आवेश है, तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो प्लस सिग्मा होगा, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो माइनस सिग्मा होगा। तो E इज इक्वल टू जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे प्लेट हमारे क्या है, अचालक है। कैसा प्लेट है, अचालक प्लेट है, ठीक ना। तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, नेक्स्ट बिंदु पी पर प्लेट बी के कारण, बी के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा पी पर, ठीक ना, E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये E1 प्लेट हो गया ए के कारण, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बी के कारण, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कुल वैद्युत क्षेत्र ई इज इक्वल टू जाएगा आपका E1 प्लस E2, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेट इलेक्ट्रिक फ्लो जो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सेम यहां पे फिर से देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अगर देखेंगे तो यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, आर पे ये डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड नहीं कर रहा, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इट मींस इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक समान, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट होगा। अच्छा, अगर हम बाहरी पॉइंट पर देखते हैं, जैसे इस पॉइंट पर निकालना है P1 पॉइंट पर, तो P1 पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो सेम इस P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी होगा और इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी होगा। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लेते E- इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, सेम इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। मान लेते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E- इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि E का अगर एक्सप्रेशन आप देखते हैं तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये इसके नजदीक है, ये इससे दूर है, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और यहां पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पे कैंसिल आउट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो बनेगा। सेम अगर इस पॉइंट पर P2 पॉइंट पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसके लिए हम देखते हैं पॉजिटिव के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, E" यहां पे भी E" दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम अमाउंट में होंगे,
दोनों का वैल्यू, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है अगेन, तो इसलिए ये दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इट मीन्स अगर दो कंडक्टर्स को एक दूसरे के पास, सॉरी दो नॉन कंडक्टर प्लेट को एक दूसरे के पास में रखते हैं और दोनों पे डिफरेंट कैटेगरीज के चार्ज देते हैं, तो उसके कारण उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और उसके अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसका एक्सप्रेशन, जिसका वैल्यू हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए इससे रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। तो जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूं, ये न्यूमेरिकल्स आप क्या करेंगे, ध्यान से अपने नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक ना, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। चलिए न्यूमेरिकल्स लेते हैं। न्यूमेरिकल्स है, धातु की दो बड़ी पतली प्लेटें एक दूसरे के समांतर एक एवं निकट स्थित है, समानांतर व निकट स्थित है, इनके भीतरी फलकों पर प्लेट के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत हैं और इनका परिमाण 17 × 10^-22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना या परिकलित कीजिए। सेम क्या करें कि धातु की दो प्लेटें हैं जिन पर विपरीत टाइप के पृष्ठ आवेश घनत्व है, ठीक, दो प्लेट है, ठीक ना, इसमें पॉजिटिव सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व, इसमें नेगेटिव सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। करीब फर्स्ट प्लेट के बाहर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और सेकंड प्लेट के बाहर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और दोनों प्लेटों के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, PQR। तो इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको परिकलित मतलब कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो देखिए सिग्मा का वैल्यू दे रखा है हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है, सिग्मा बराबर 17 × 10^-22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इतना वैल्यू आपका दे रखा है, क्लियर है। अच्छा अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्लेट के बाहर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमने अभी कैलकुलेट किया कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो पी पर विद्युत क्षेत्र है, पी पर वैद्युत क्षेत्र है कितना, जीरो, क्यू पर वैद्युत क्षेत्र है जीरो, आर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना जाएगा, ई इज टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सिग्मा कितना है हमारे पास, 17 × 10^-22 बटे 8.85 × 10^-6, ठीक ना। तो सिग्मा का डायरेक्टली वैल्यू हम पुटिंग करते हैं, तो यहां से हमें मिलेगा नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा हमारा 1.92, इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.95 × 10^-22 प्लस का 12, तो यह जाएगा 1.95 × 10^-10 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेशन आपको करना आता है तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो यह आएगा 1.95। कैलकुलेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे कि धातु की दो बड़ी पतली प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर स्थित है। सेम कह रहे कि धातु की दो प्लेटें हैं एक दूसरे के समांतर और समीप स्थित है, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.770 × 10^-11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है तथा विपरीत चिन्ह के हैं, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर क्वेश्चन जहां पे आपको कंफ्यूजन हो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर आपने यहां पे गलत किया या इस पॉइंट पर मुझे समझ नहीं आया। तो चलिए सेम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किस पॉइंट पर, पॉइंट आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके लिए हमारे पास दे रखा है पृष्ठ आवेश
घनत्व है, ठीक ना। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू दे रखा है 1.770 इंटू 10^-11 माइनस का 11 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा का वैल्यू 1.770 इंटू 10^-11 बाय 8.854 इंटू 10^-12। सिग्मा का वैल्यू लेंगे 8.854 तक ले लेते हैं, ठीक ना। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो 1770 इंटू 10^-11 प्लस का 12 पर चला जाएगा और 8854, ठीक ना। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 2। आंसर कितना आएगा, लगभग 2 आएगा, 0.2 आएगा, 0.2 और 0.2 और इंटू आ जाएगा 10, ठीक ना। इससे इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, देखो 5×20 25 और 7 25 और तो कितना 27, ठीक ना। और काट के देख लेना 1/5 आएगा, 1/5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 2 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन करना आपको आता है इसलिए कैलकुलेशन में मैं टाइम वेस्ट फिर से कह रहा हूं नहीं कर रहा हूं। डाउट्स हो रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक ना, या व्हाट्सएप लिंक में, या व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं या पर्सनल मैं नंबर दे देता हूं आपको 9557955254। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर कोई डाउट्स है, कुछ भी चीज़ आपको पूछना है तो आप बेझिझक इस नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक ना, नो डाउट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं, एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, किसके कारण, आवेशित गोलीय कोश के कारण, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्या है, यहां पे हमारे पास एक आवेशित गोलीय कोश है, क्या है, गोलीय कोश, ठीक ना, स्पेरिकल शेल, जैसे आपका आपने देखा होगा फुटबॉल, ठीक ना, फुटबॉल को देखेंगे तो फुटबॉल के अंदर से खोखला होता है, ठीक ना, तो ऐसे ही कोई खोखला गोला है जिस पर हमने आवेश दिया है, ठीक, वो उस आवेश के कारण किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए देखिए, अगर आवेशित गोलीय कोश कहता है, अब यहां पे आपके पास नहीं दे रखा है कि ये कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंडक्टर या नॉन कंडक्टर है, कंडक्टर होगा मतलब चालक होगा या अचालक होगा, दोनों के कंडीशन में सेम फिनोमेना है, क्योंकि अगर किसी गोलीय कोश को अगर आवेशित करेंगे, आवेश देंगे, ठीक ना, अंदर तो खोखला है, अंदर क्या है, खोखला, कुछ नहीं है, तो जितना भी आवेश देंगे वो पूरा का पूरा आवेश उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक ना। तो जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास एक गोलीय कोश है, ठीक ना, इस गोलीय कोश को हम क्या करते हैं, अगर आवेशित करते हैं तो जितना आवेश देंगे ये संपूर्ण आवेश इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर चार्ज जीरो होगा, क्यों, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो कहां रहेगा आवेश, तो जितना भी आवेश देंगे वो पूरा का पूरा आवेश इसके सरफेस पर आ जाएगा। तो मान लेते हैं इसको हमने कितना आवेश दिया, क्यों आवेश दिया, ये जो हमारे पास एक गोलीय कोश है, इस गोलीय कोश की जो त्रिज्या है वो मान लेते कितना है, कैपिटल आर। क्लियर है, अच्छा अब यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं,
कि गोलीय कोश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, गोलीय कोश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उस पॉइंट पर, सॉरी गोलीय कोश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो गोलीय कोश आपका चालक भी हो सकता है और अचालक भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में सेम होगा। प्लस ये जो कंडक्ट, ये जो आपका डेरिवेशन है, ये काम आएगा किसके लिए, जब कंडक्टर होगा ठोस चालक, क्या होगा ठोस चालक, अगर हमारे पास क्या है ठोस चालक है, सॉलिड कंडक्टर है, ठीक ना, सॉलिड कंडक्टर के कंडीशन में भी जितना हम उस कंडक्टर को आवेश देंगे वो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर स्थित होता है, ठोस के अंदर आवेश जो है वो कितना होगा जीरो होगा, ठीक ना, क्योंकि सॉलिड के अंदर कोई भी अगर सॉलिड मटेरियल है और वो कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपका जीरो होता है, क्यों होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एक वीडियो का लिंक, वहां से आप वॉच कर सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो होता है, इतना डिटेल में मैं इस वीडियो में नहीं जाने वाला हूं, अगर उस वीडियो को आप देख लीजिए समझ में आता है तो बताइए, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो दूसरा वीडियो दूसरे मेथड से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे, तो यहां पे आपको लिखना है कि माना कैपिटल त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिस पर क्यू आवेश समान रूप से उसके सतह पर डिस्ट्रीब्यूट है, वितरित है, ठीक ना, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो मैंने बोला है यही आपको क्या करना है, सेम लिखना है, ठीक ना, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं गॉसस लॉ के एप्लीकेशंस कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस जाना चाहिए, तो इसके सराउंडिंग में क्या करते हैं हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, क्या करते हैं एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक ना, तो देखिए इस गॉसियन सरफेस को क्या कर सकते हैं हम बहुत पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, इस पॉइंट पर है इसका एरिया जो है वो कितना है ds है, कितना है ds, जो कि इसके लंबवत बाहर की तरफ होगा, और इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो देखिए ds एंड e के बीच जो एंगल बनेगा यहां पे कितना डिग्री का बनेगा, थीटा जो है जीरो डिग्री का बनेगा, क्लियर है, तो आपको लैंग्वेज क्या लिखना है कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिसके कारण जिस पर क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इस गोले के सराउंडिंग में या उसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक, गॉसियन पृष्ठ कैसा है हमारा गोलीय है, क्योंकि सिस्टम क्या हमारा कैसा है, सिस्टम भी हमारा गोलीय है, इसलिए गॉसियन पृष्ठ भी गोलीय ले लेते हैं। अब इसके लिए हम तीन पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, एक बाह्य पॉइंट पर, एक सरफेस पर, और एक इसके अंदर किसी बिंदु पर, ठीक ना, तो फर्स्ट पॉइंट बाह्य बिंदु पर, एक्सटर्नल पॉइंट पर, ठीक ना, किस पे एक्सटर्नल पॉइंट पर, यहां पे आपका जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन है कैपिटल आर, ठीक है ना, तो लघुखंड, देखो लघु खंड डीएस से बद्ध वैद्युत क्षेत्र, सॉरी वैद्युत फ्लक्स, इस छोटे से एरिया जो हमारे पास डीएस है, इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स निकलना है, इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स निकलना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, वो होगा हमारा फाइ इज इक्वल्स टू डी फाइ, छोटा सा फ्लक्स होगा, डी फाइ इज इक्वल्स टू ई डॉट ds, डॉट टू डॉट हो जाएगा तो ई डी एस कॉस थीटा, ठीक ना, ई डी एस कॉस थीटा, और यहां पे थीटा जो है आपका जीरो डिग्री का है तो ई डी एस कॉस जीरो, अच्छा सर समझ में नहीं आया, तो यहां पे ई और ds क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका जीरो डिग्री का हो जाएगा, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, कॉस जीरो के बराबर कितना है जीरो, यहां पे
वेक्टर हटा दीजिए, तो ई डी एस ये हो गया छोटा सा फ्लक्स जो इस छोटे से एरिया से, नन्हे से एरिया से निकलना है। अब इस संपूर्ण जो हमारे पास गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से वर्ध वैद्युत फ्लक्स, कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स निकलेगा कितना, फाई इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। डी फाई का क्या करेंगे, होल इंटीग्रेशन करेंगे, तो जाएगा होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, क्या जाएगा ई डी एस, क्लियर है। अच्छा अब देखिए ये जो पॉइंट है, जैसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती है, इस पॉइंट पर निकालती है, इस पॉइंट पर निकालते हैं, यहां से इसके डिस्टेंसेस देखिए बराबर हैं, तो इसलिए इस सरफेस पे या इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ई, तो वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, तो इसलिए ई को इससे बाहर निकाल लेते हैं, तो ई बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, तो हमने एक छोटा सा लघुखंड यहां पे लिया, एक छोटा सा लघुखंड यहां पे लेंगे, एक छोटा सा लघुखंड यहां पे लेंगे, एक छोटा सा लघुखंड यहां पे लेंगे, तो ऐसे अगर इसको बहुत छोटे छोटे खंडों में क्या करें, विभाजित करें, और उन सारे खंडों को क्या करें, आपस में जोड़ दे, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस संपूर्ण खंडों का योग, और संपूर्ण खंडों का योग का मतलब हो जाएगा यह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। यहां पे गोला कौन सा, गॉसियन सरफेस, कौन सा, गॉसियन सरफेस, तो कितना जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे रख दीजिए, तो जो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो जो आपका फाई। इतना तो हमने डेरिवेशन से कैलकुलेट किया। अच्छा अब आ जाइए इस पर गॉस स्फीयर में अप्लाई करते हैं, तो गॉस का नियम क्या कहते हैं, गॉस के नियम से देखिए, गॉस के नियम क्या कहते हैं, गॉस के नियम क्या कहते हैं, इस फ्लक्स से या इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स जो है इस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। देखिए इस पृष्ठ के द्वारा कितना आवेश घिरा हुआ है, क्यू आवेश घिरा हुआ है, तो यह जाएगा सिग्मा अपॉन फाइव टू क्यू अपॉन ε0, दोनों इक्वेशन को अगर इक्वल करते हैं तो यह जाएगा आपका ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पे क्यू अपॉन 4 पाई ε0 आर स्क्वायर, तो यहां पे आपका एक्सप्रेशन आ गया 4 पाई ε0, ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर है जो कि आर के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड पॉइंट निकालेंगे पृष्ठ पर, कहां पर, पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर सिंपली हमें क्या करना है कि जो आर स्मॉल आर डिस्टेंस है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, और जैसे ये कैपिटल आर के इक्वल होगा तो इस कंडीशन में हम इसको अगर सॉल्व करें, डायग्राम में मिटा देता हूं, ठीक ना, कितना होगा, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई ε0 q upon r square। देखिए अगर 4 पाई r square को एक साथ लेते हैं q upon ε0, तो देखिए 4 पाई r square क्या जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल a, तो q upon a into ε0, और q upon a is equals to क्या होता है सिग्मा, तो यहां पे इसके जगह लिख सकते हैं सिग्मा upon ε0, तो पृष्ठ के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, और किसके इक्वल होगा, सिग्मा अपॉन ε0 के इक्वल होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कंडक्टर कैसा है, हमारा गोला है, और गोले के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, सिग्मा अपॉन ε0। ये फॉर्मूला हमने कहां पढ़ा था, जब हमने चालक चादर की बात की थी, और उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो फॉर्मूला है ये गोलीय चालक के लिए भी एप्लीकेबल है, समतल चादर के लिए भी एप्लीकेबल है, और किसी ऑर्बिट्री शेप के लिए भी ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है। तो इसलिए आप इसको रिमेंबर कर लीजिए, कहीं
टैटू वटू गुदवा लीजिए, कहें लिख लीजिए, क्योंकि बहुत जगह ये फॉर्मूला आपका साथ देने वाला है, क्योंकि आपकी नैया जहां पे भी डूबेगी वहां से ये फॉर्मूला आपको हो सकता है उबार के लाए, मतलब निकाल दे वहां से, है ना। अब थर्ड पॉइंट चालक के भीतर, ठीक ना, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखो, चालक के भीतर या आंतरिक बिंदु पर क्या लिखते हैं, आंतरिक बिंदु पर। देखिए आंतरिक बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आंतरिक बिंदु पर होगा, देखिए ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर के बाहर चार्ज है, जितना भी चार्ज है वो कितना है, बाहर है, जिसका सेंटर है इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस बना दीजिए। एक गॉसियन सरफेस अगर बनाते हैं तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस पर में लगाते हैं, गॉस पर में से फाई इज गोस्ट हो जाएगा पृष्ठ द्वारा घेरा आवेश बटे एप्सिलॉन। और ये जो गॉसियन सरफेस हमारा, इस गॉसियन सरफेस के द्वारा कितना आवेश गिरा हुआ है, जीरो आवेश, क्योंकि इसके अंदर आवेश तो है ही नहीं, खोखला है, आवेश जितना भी है वो कहां है, बाहर है, तो इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश होगा, क्यू, जीरो कूलम्ब चार्ज होगा, जीरो बाय एप्सिलॉन, तो कितना जगह ये जीरो, तो फाई कितना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर जीरो है तो उस कंडीशन में ई डॉट डी एस से ई कितना जाएगा, जीरो जाएगा, ई डी एस से, ठीक ना, क्योंकि सरफेस एरिया तो जीरो नहीं हो सकता ना, क्या जीरो होगा यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो चालक के अंदर या सॉरी हाँ किसी चालक के अंदर या जो हमारे पास गोलीय कोश है उसके कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। चलिए एक चीज और इसमें डिस्कस कर लेते हैं लास्ट, इसमें हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ग्राफ से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक, या एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड पूछते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई वर्सेस आर के विषय में क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये जो एक्स एक्सिस है यहां पे आर को रिप्रेजेंट करेंगे मीटर में, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, न्यूटन पर कूलम्ब में, ठीक है ना। अब यहां से एक फिक्स डिस्टेंस ले लेते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, तो इस वाले पॉइंट पर अगर देखेंगे हम, ये कैपिटल आर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, यहां से अंदर ये वाला पॉइंट होगा, यहां से इधर भीतर आंतरिक मतलब एक्सटर्नल पॉइंट होगा, इंटरनल कौन सा पॉइंट होगा, इंटरनल, और इसके बाहर क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, और आर इस सरफेस पे पॉइंट जो होगा ये क्या हो जाएगा, किस पे, सरफेस पे। इधर अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो एक्सटर्नल के लिए होगा, इधर इंटरनल के लिए होगा, और इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो इस पॉइंट पर क्या होगा, ये सरफेस पे कॉन्स्टेंट हो। देखिए ई इज इक्वल टू सरफेस पे कितना है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस पर है इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो कि क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये चेंज नहीं होता। तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पे हम इसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पे इसको हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। इसके अंदर अगर बात करेंगे तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, जीरो जाएगा। इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे, ये एक्सप्रेशन है, तो इस प्रोपोर्शनल टू बन रहा है आर स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल क्या आ रही है, कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, आपका ग्राफ जो है वो इस टाइप का वैरी करेगा, किस टाइप का ग्राफ आएगा, इस टाइप का, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाता है उसके लिए, या मैंने कहीं मिस्टेक किया है तो उसके लिए आई एम सॉरी। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने अच्छा समझाया, अच्छा एक्सप्लेन किया है, आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मैथ्स की वीडियोज़ नहीं देखे हमारे,
तो हमने मैथ्स के वीडियोज भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, चैप्टर फाइव के क्वेश्चन या चैप्टर फाइव की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस अपलोड्स कर रहा हूँ सॉल्व करके, उस वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ऐसे ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।